कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ नियमितकरण सहित अन्य मांग को लेकर गुरुवार को रायपुर के बुढ़ापारा धरनास्थल में एक दिवसीय धरना देते राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने के माध्यम से कोटवार संघ गुजारा के लिए दी गई भूमि पर पुनः भूस्वामी हक देने की मांग की। धरने के दौरान कोटवार संघ के सदस्यों ने कहा कि कोटवार राजस्व विभाग का प्रमुख अन्य के साथ ग्राम स्तर पर विभाग की सबसे प्राथमिक इकाई बताया। संघ ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 23 फरवरी 2018 को कोटवारों की प्रांतीय सम्मेलन में यह आश्वासन दिया गया था कि पूर्व भूमि स्वामी का हक कोटवारों को पहले की तरह ही दिया जाएगा, लेकिन अभी भी लंबित है। जबकि छत्तीसगढ़ की निकटवर्ती राज्य महाराष्ट्र, ओडिशा एवं झारखंड में कोटवारों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा प्राप्त है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ के लगभग 16,000 कोटवारों ने प्रदेश सरकार को दो बिंदुओं पर लेकर पत्र भी लिखा है। कोटवारों को कर्मचारी का दर्जा के साथ राजस्व विभाग में संविलियन करते हुए सन 1950 के पूर्व की जमीन को वापस दिया जाने की मांग प्रमुख है, जिससे भूमि स्वामी का हक उन्हें मिल जाएगा। मांग पूरी नहीं होने पर संघ आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी मीडिया के माध्यम से सरकार को दी है। सरकार से मांग है कि हमार जमीन वापस करे, हमारा सरकारी नियुक्ति करे, हमारा रोजी रोटी वापस करे। यही मांग है हमर मन के। हमर मन के बहुत परेशानी से गुजरना पड़ते कोटवार मल्ला, और महंगाई के जमाना में हमारा खर्चा चला बहुत मुश्किल जाते। मेरा नाम परमेश्वरी मानिकपुरी है, मंदिर है सबके कोटवार मंदिर है सबसे। मैं भूषण मानिकपुरी प्रांतीय कोषाध्यक्ष कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़। यहाँ पर जो हम लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, हम लोग अपनी पिछले मांगों को मनवाने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्ष 2019 में भूपेश सरकार के द्वारा हमारे कोटवार सम्मेलन पाटन में हमने अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखी थी, जिसको स्वीकार करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने वादा किया था कि आप लोगों की जो मांगे हैं उसको स्वीकार करते हुए आप लोगों को राजस्व विभाग में संविलन कर दिया जाएगा। आप लोगों के जी मानदेय है उसमें भी बढ़ोतरी करते हुए कलेक्टर दर पर आप लोगों को नियमित कर दिया जाएगा। अभी माननीय महोदय के द्वारा बजट पेश हुआ, उसमें उन्होंने अपने वादे के अनुसार कोई भी हमारे पक्ष में अभी बजट में प्रस्तुत नहीं किया, कोई भी हमारे पक्ष में कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसी से हम सभी कोटवार बहुत ही दुखित हैं और आक्रोशित हैं। अपने भविष्य की चिंता को लेकर हम परेशान हैं, इसी कारण से आज हमको यहां पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मैं गोकुल नागरची राजिम तहसील और जिला संरक्षक हूँ गरियाबंद से। हमारी प्रमुख दो मांगे हैं, हमारी जो मालगुजारी जमीन जो दिया गया है उसको भूमि स्वामी किया जाए और हमको सरकारी नौकरी का दर्जा दिया जाए। मानदेय में जो क्रेडिटर दर है उसको दिया जाए। पूर्व से माल गुजार हम लोग 100 सालों से हमारे पूरे पूर्वज कोटवारी कर रहे हैं, उसमें आज तक बघेल जी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं, और उसने वादा भी किया था पाटन सम्मेलन में कि आप लोग का नियमित कर्मचारी घोषित करेंगे करके, लेकिन आज तक नहीं किए। तो मैं अनुरोध करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि वो मुख्यमंत्री जी को याद दिलाएंगे कि वो जो पाटन में वादा किए थे वो वादा को निभाए। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।